लोकतंत्र का पहला स्तंभ यानी न्यायपालिका के अधिवक्ता लगातार पिछले 24 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पे हैं और आज ये अधिवक्ता जो हैं वो यहां से बाइक रैली और चार पहिया रैली निकालने का आयोजन कर रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां से अब रैली शुरू होने जा रही है और यह हाईकोर्ट का परिसर के बाहर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। हम बात भी करेंगे सर, लगभग पिछले 24 फरवरी से आप लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, क्या कहेंगे सर आज के रैली का और आज के प्रोग्राम को क्या कहेंगे सर? देखिए, आज के रैली का हम लोग आंदोलनरत है और हमारी मांग है कि जो इसका क्षेत्राधिकार लखनऊ हाईकोर्ट को बढ़ाया जाए और आसपास के जितने जनपद इसमें शामिल किए जाएं, ये मांग बहुत दिन से चल रही है और इसके समर्थन में हम लोग आज वाहन रैली निकाल रहे हैं, रोड शो करेंगे और दिखाएंगे कि अधिवक्ता कितना आंदोलित है और सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको इसकी मांग पे विचार करना होगा और मांग को मानना पड़ेगा। 24 मार्च से लगातार आप लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, अभी तक कोई संबंधित अधिकारी आपकी आवाज पहुंची है कि नहीं पहुंची है? मेरी आवाज हर जगह पहुंच रही है लेकिन संबंधित अधिकारी कोई इस पर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग बाहर रैली भी निकाल रहे हैं, आगे और भी करेंगे, इसको आंदोलन को तेज करेंगे। लगभग कितने वकील जो है वो आज इस रैली में शामिल होंगे? रैली में कम से कम 500 वाहन शामिल है। आप देख सकते हैं कि लगभग 500 अधिवक्ता जो हैं वो इस रैली में शामिल होंगे और लगातार जो आप देख सकते हैं कि आक्रोशित हैं कितने अधिवक्ता, क्योंकि उनकी मांगों को अब तक कोई भी पार नहीं कर पा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब जो वकील एकता है वो अब दिखाने की बारी आ गई है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।